अगर हमारे पास जो भी अवशेष है अगर उसको सड़ा के हम उपयोग करें, उस गाय के मूत्र का इकट्ठा करके सड़ाएं, तब जीवाश्म की जो संख्या बढ़ रहा है वो बहुत फायदेमंद है। और बहुत संक्षिप्त में आपको बता दें कि पूरा खेल जो है एनर्जी का चल रहा है, ऊर्जा, समझ रहे हैं। अगर हमारे शरीर में एक रोटी खा के इतना जितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए पूर्ति हो जाता है, हमें 10 रोटी खाने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट लाए वहाँ पे आचार्य देवव्रत जी कि अगर मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ा दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को कैप्चर करेगा, ऊर्जा को संचयित करेगा, जितना ऊर्जा संचयित करेगा उतना ही ज़्यादा मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा उर्वरता बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा संचय करते हैं मिट्टी में ऊर्जा का, तो एक तरफ तो उत्पादकता बढ़ता है, दूसरी तरफ मृदा की उर्वरता बढ़ता है, उत्पादकता उर्वरता में भी